अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन बर्गर रेसिपी बनाएंगे। इसके लिए 1 किलो चिकन है ये। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। इसके लिए पहले हमें 1 कटोरी दही लेना है। प्याज है, इसे हमने फ्राई करके पीस कर लिया है। ये हरी मिर्च और हरा धनिया, इसका पेस्ट है, हमें 2 चम्मच डालना है इसमें। अदरक लहसुन, ये गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये मिर्ची पाउडर है, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर, चाट मसाला, ये नमक, ये रेड फूड कलर है थोड़ा सा, और एक काली मिरी। अब हम सभी मसाले डालेंगे। आधा नींबू भी डालना है हमें इसमें। सभी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे। अब ये हमारा मसाला तैयार है। अब हम इसमें चिकन डालेंगे। अब हम इसे हाथों से मिलाएंगे। अब हम इसे ढककर 1 घंटे के लिए रखेंगे। अब हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसे एक पैन में पका कर लेंगे। इसके लिए थोड़ा सा तेल डालेंगे, 1 चम्मच बटर डालेंगे, 1-1 करके हम इसे तेल डालेंगे पूरे। अब हमें इस चिकन को कलर देना है। अब हम इसे ढककर 15 से 20 मिनट मीडियम आंच पर पकाएंगे। अब ये हमारा चिकन पक चुका है। अब हम इसे निकालेंगे। अब हम इसे गैस पर रखेंगे और इसे जाली पर रखकर इसे थोड़ा सा भून लेंगे। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही भूनना है इसे, इससे फ्लेवर अच्छा आता है इसे। दोनों साइड से हमें इसे भूनना है। अब ये हमारा चिकन भून चुका है। अब हम चिकन बर्रा के लिए ग्रेवी बनाएंगे। इसके लिए हमने गैस पर एक कढ़ाई रखी है। इसमें 1 चम्मच बटर डालेंगे। जो हमने चिकन को मैरिनेट किया था वो मसाला है, ये मसाला भी डालेंगे हम। इसी में हम हरी मिर्च और हरा धनिया, इसका पेस्ट डालेंगे 2-3 चम्मच। थोड़ा सा हमें चाट मसाला डालना है। एक हमें बड़ी कटोरी भरकर फ्रेश क्रीम डालना है इसमें। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हमारी ग्रेवी तैयार है। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ चिकन डालेंगे। अब हम गैस बंद करेंगे। अब हमारा चिकन बर्रा बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।